अब से तुमको एक लड़का बन के ही रहना है। मेरी बुआ ने मुझे बताया ये चीज़ जब मैं दिल्ली में उनके साथ रहने के लिए गई थी। इससे पहले मैं तो स्कूल में लड़कियों के साथ ही बैठती थी, लेकिन उस दिन का हादसा मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल दिया। जब मैं छोटी सी थी उस टाइम पे मेरे को कई बार ऐसे लगा कि मैं कुछ गलत है मेरे शरीर में। कभी कभी दिल करता था मम्मी पापा से पूछूं कि क्या है, लेकिन फिर भी घबरा जाती थी। उस दिन मेरा 10वां जन्मदिन था और मेरी मम्मी पायस खिचड़ी ये सब बना रही थी मेरे लिए स्पेशली। पापा एक VCR रिपेयर कर रहे थे और मैं देख रही थी उसको। अचानक से पापा जो केमिकल से काम कर रहे थे उससे रिएक्शन होकर आग लग जाता है और वो आग के लपेट में मैं भी आ जाती हूँ। मेरी मम्मी अचानक से एक ब्लैंकेट पानी में डुबो लेती है और उससे मुझे लपेट लेती है, लेकिन मैं इतनी बुरी तरीके से जल गई थी मेरे छाती का हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मुझे मेरे बुआ के घर दिल्ली भेज दिया जाता है। तब मैं एक लड़के की तरह स्कूल जाने लगती हूँ। उसके बाद एक दिन अचानक से मेरे 13 साल की उम्र में मेरे स्कूल के एक स्टूडेंट बॉय के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है और वो मुझे ज़ोर से एक धक्का मारता है और मुझे गिरा देता है और मुझसे कहता है तू तो एक लड़की है, लड़का बनने की कोशिश करता है। उस दिन घर वापस आती हूँ और घर वापस आके मैं आईने के सामने कपड़े उतार के खड़ी होती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है कि मैं क्या हूँ, लड़का या लड़की, और वो दोनों तरफ का खिंचाव मेरे को खींचता रहता है। उसके एक हफ्ते बाद मेरी बुआ मुझे एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास लेके जाती है। उसके बाद मुझे पता चलता है कि मैं लड़का भी नहीं हूँ और लड़की भी नहीं हूँ। डॉक्टर बोलती है कि मेरे शरीर में कोई तरीके का लड़के का या लड़की का कुछ भी निशान या ऑर्गन्स उनको नहीं मिले, पर यहाँ मेरा उलझन सुलझा नहीं। उसके कुछ साल बाद मेरी बुआ मेरा शादी करवाना चाहती थी और उससे मेरी बुआ की लड़की बहुत गु़स्सा हो जाती है और वो मेरी कपड़े, मेरे आइडेंटिटी कार्ड्स और मेरे मार्कशीट सब उठा के जला देती है। और मुझे ऐसा फील होता था कि मैं वहाँ पे रहूँगी तो मर जाऊँगी, इसलिए मैं बुआ के घर छोड़ के बाहर निकल आई। इसके बाद मैं बहुत साल एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर घूमती रही और बहुत सारे काम भी किए, पर वो पुरानी यादें मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी। लेकिन अब भी जब मुझे वो पुरानी बातें, पुरानी यादें याद आती हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मैं कोलकाता आई और मुझे अपना प्यार मिला और उसके साथ मुझे मिलता है मेरा कम्युनिटी का साथ। और फिर मेरी कम्युनिटी मुझे बताती है कि मैं एक किन्नर हूँ, उनमें से एक हूँ।